क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी व्हिच डी इज इक्वल टू 7, डी दिया हुआ, डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, एंड द 22 टर्म्स इज 49 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए चलिए, डी दिया हुआ है, डी क्या है, डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस 7 दिया हुआ है, ठीक है, और ए 22 दिया हुआ है, कितना है 149 दिया हुआ है। ठीक है, तो ए 49 या एल मान लेते, चाहे एफ 22 दिया हुआ है, एफ 22 149 दिया हुआ है, तो ए 22 इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस 21 डी। ठीक है, 21 डी होता है, तो ए 22 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 149, ए नहीं दिया, ए निकालना है, तो ए प्लस 21 इंटू 7। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 149 माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, 7 1 7 7 2 14, ठीक है 147, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो a का वैल्यू निकल गया आपका, फर्स्ट टर्म निकल गया, और n अब निकालना क्या, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ap, तो s 22 निकालना है हमको। ठीक है, तो s 22 इज इक्वल टू s n 22 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 2 इंटू ए, ए का वैल्यू कितना है, ए के वैल्यू हमें निकाले 2। ठीक है, एन माइनस 1, तो एन का वैल्यू क्या है 22 माइनस, माइनस क्या है 1 इंटू डी, डी क्या है 7। ठीक है, फॉर्मूला पुट कर दिया सारे, तो 22 डिवाइड बाई 2 इंटू 11 हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 इक्वल टू 21, सॉरी 22 माइनस 1 इक्वल टू 21, 21 इंटू 7 इक्वल टू 21 इंटू 7 लिखा है मैंने, क्या है 147। ठीक है, 147, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे, तो as 22 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 11 इंटू, ठीक है, इसको अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 151। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1661 होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें।